पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। आज मैं आप लोगों को महालक्ष्मी की एक व्रत कथा बताने जा रही हूँ। कहते हैं इस कथा के पाठ से घर में होती है माँ लक्ष्मी का वास। माँ लक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह में रखा जाता है। यह 16 दिन तक चलता है। इस दौरान महालक्ष्मी व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने की तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है, तो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा। वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करे। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। माँ लक्ष्मी ने फिर ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की इन 16 दिनों तक उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। महालक्ष्मी व्रत पूजा की विधि। सबसे पहले एक चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। इसके बाद थोड़ा सा चावल डालकर लक्ष्मी जी के पास कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक नारियल में कपड़ा बांध कर रखें। इसके बाद गणेश जी की और चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक है। नवग्रह और सोदश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, धूप, अगरबत्ती। इसके बाद विधा विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले कथा का पाठ करें, अंत में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की आरती करें। तो यही थी माँ लक्ष्मी की व्रत कथा और पूजा की विधि। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बने रहें।